क्या काम किया? ये तो जा रहा था। दिशा की जी इतना हाँ सुबह की लगता तो बहुत तो हो रहा है वो ऐसे तो इस बात में कुछ होती नहीं थी इसमें पत्थर वाली है जरी हो ना सारा सामान ओ बिशेर बिशेर तो भी आसी बिशेर भाई जो क्या लगती है बिशेर बिशेर ये बादल फटने से मेरे एक बीवी एक लड़का एक लड़की इस फ्लड में गए हैं। इधर मिडिल स्कूल गड़गड़ा से इतना जो हमारा नुकसान हुआ है, दो तीन मकान गए हैं तो नुकसान हुआ, हमारा सामान गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये ऐसा हमने सोचा नहीं था, ये इधर पहली बार ऐसा हुआ है। आज से पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। हम वज़ीर आला से ये कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से, कि जो हमारा मकान गया है, जो हमारा नुकसान हुआ है, बच्चे गए हैं, घरवाली गई है तो इस फ्लड से, तो हम ये कहना चाहते हैं जितना हो सके हमारी ज़मीन गई है, जितना हो सके हमारी मदद करें। जिस वक्त ये बादल फटा उस वक्त यहाँ का मंज़र बहुत ख़राब था, बहुत ही अलग था, दर्दनाक मंज़र था। यहाँ पर जो बच्ची यहाँ से भई है वो मेरे आँखों के सामने से गई। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं इसको बचाऊं, लेकिन बचा नहीं पाया क्योंकि मंज़र ही बहुत ख़राब था। यहाँ का इतना ख़तरनाक मंज़र था कि मैं कुछ कर नहीं पाया। मैंने कोशिश बहुत ज़्यादा की थी लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। उस वक़्त ये जो 6 आदमी पीछे से बहकर आए थे, मगर हमें कोई पता नहीं चला क्योंकि पूरा जंगल इकट्ठा होकर आया था पानी के साथ, कोई पता नहीं चलने लगा। इतना भयानक मंज़र था कि मैं ये सोच रहा था कि इस लड़की को पकड़ूँ जाकर। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया क्योंकि थोड़ा वो दूर थी, कम से कम 10 मीटर आगे थी और 10 मीटर पीछे मैं था और मेरे साथ में वो पानी गुजर रहा था जो पूरा ऊपर से बह के आया था, पूरा जंगल चल रहा था। बहुत ज़्यादा भयानक मंज़र था। यहाँ से वो भी हमारे आँखों के सामने का मंज़र है, 2 गाड़ियाँ और 1 बाइक थी यहाँ पे मेरे सामने लगी थी, वो मेरे दुकान के बाहर लगी थी और अपने दुकान के भी हाल बहुत ख़राब हुए। यहाँ 7-8 दुकानें हैं, सब दुकानों की हालत जो है बहुत ही ख़राब, मलबा भरा हुआ है जो कि मिसाल इस वक्त हम ये सोच रहे हैं कि ये मलबा कैसे निकलेगा। जब तक ना यहाँ मशीनें आएंगी यहाँ पे काम चलेगा ये, तभी ये साफ़ होगा। और यहाँ का मंजर ही इतना भयानक था कि अभी भी डर लग रहा है। अभी UTDRF वाले ये सर्च ऑपरेशन में लगे थे, अभी NDRF भी हम उस सर्च ऑपरेशन में शामिल हो गया है। जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे डेड बॉडी को रिट्रीव किया जाए। 2 स्कूल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, एक तो वाश आउट ही हो गया स्कूल MS गवर्नमेंट MS गडगरा, और सीवियरली डैमेज हुआ है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ब्रह्मण। 3 घर डैमेज हुए हैं
एक तो अफेक्टेड फैमिली जो सफर जिनके वो डेथ हुई है बच्चे की, बागदीन की फैमिली की, मैं बच्चा मोहम्मद यासर, उनका एक मकान वाश आउट हुआ है, एक उसके चाचे का हुआ है, तो एक और मकान गाड़ी जरा अट कहते हैं ऊपर वहाँ उनका मकान एक डैम, गाड़ियाँ चार का नुकसान हुआ है, तो एक दो टंगर नाले में, दो नालों में पानी आया था, एक टंगर नाला और एक गड्डी नाला, तो टंगर नाले में दो गाड़ियां गई हैं, एक मिंद्रा पिकअप गई है, एक ट्रैक्स गई है, और गड्डी नाले में भी एक प्राइवेट व्हीकल गया है और एक थ्री व्हीलर गाड़ी गई। सबसे पहले हमने रेस्टोरेशन का वर्क स्टार्ट किया है, रोड का काम, दो डालों में हमारी रोड बैग कुछ हिस्सा काफ़ी बह गया था, वो उनका टेम्परेरी रेस्टोरेशन हमने कल ही पूरे तरीके से कर दिया है। उसके बाद ये पीडीडी वाले भी लगे हुए हैं, वो पोल, इलेक्ट्रिक पोल वगैरह डैमेज हुए थे, डीटीज हमारे डैमेज हुए हैं, उनके रिपेयर का काम चल रहा है। रिलीफ का भी हमने वो प्रोसेस कर दिए हुए, तीन फैमिलियों की तीन डेड बॉडियां मिली हैं, चार चार लाख के लिए हमने आज ही ये केस प्रोसेस कर दिया और कल उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। पिछले कुछ दिनों से यहाँ बारिश हो रही है, अचानक बारिश की इंटेंसिटी कोई उतनी नहीं होती है, अचानक ही ये जो फ्लैश फ्लड आया तो अचानक इससे इतना नुकसान भारी हुआ, तो हम यही लोगों से ये अपील करेंगे कि आप कोई नाला साइड वगैरह ना जाएं।